गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है आप सभी का महेंद्रास के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी की फेवरेट क्लास रेलवे एनटीपीसी शुरू हो चुकी है, तो भाई दबंग मैम का आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे एनटीपीसी की क्लास में। तो भाई रीजनिंग की क्लास शुरू होने जा रही है, जल्दी से हमें रेडी कमेंट कर दीजिए। हाँ भाई 2 से 3 मिनट लेट हो गया है, कोई बात नहीं भाई, अपनी दबंग मैम को माफ कर दीजिएगा, आप लोगों से माफी चाहते हैं। तो भाई आज करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आपको रेलवे में डेफिनेटली 100% सफलता मिलेगी, अगर इन क्वेश्चंस का जवाब आप जानते हैं तो, ठीक है। बिकॉज बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं कि भाई एसएससी की वैकेंसीज आज ही आई हैं, ठीक है। एसएससी की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल वेट कर लो। और एसएससी और रेलवे में आप लोग जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, मतलब जो पिछले सालों में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को बार बार पूछता ही है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो आज डेफिनेटली इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। सबसे पहला काम एक कर दो छोटा सा मैम के लिए कि लाइक कर दीजिए और सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि हमारी ये जानकारी, हमारी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो भाई क्लास के लिए तैयार हो। गुड इवनिंग लोकेश जी, मौर्यवंशी जी, म्यूजिक अमन, रूपलीन, वीरेंद्र, स्टूडेंट ललित जी, गिरधारी जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, बाकी की बातें बाद में करेंगे सवालों को करते करते, लेकिन अभी पहले सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं राइव गुरु का जो एसएससी का फुल बैच है वो आप लोग को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 499 में। इसके लिए आप लोग को जाना कहाँ पड़ेगा, हमारी फेवरेट वेबसाइट myshop.mahindra.org, जहां आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीएस और इंग्लिश वाले गुरु जी का कॉम्बो पैक मिलेगा। तो भाई इनसे पढ़ें जरूर और क्या करें, पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। चलिए तो गुड इवनिंग भाई, क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके साही जी, आपका स्वागत है चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर कुछ मैसेजेस पढ़ रहे थे कि हमें हमारी दबंग मैम का जो नाम आप लोगों ने दिया है, वेरी गुड, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है ये नाम जो आप लोगों ने मुझे रखा है। लेकिन कह रहे थे कुछ लोग कि हमें हमारी मैम का नाम पता होना चाहिए। डेफिनेटली चिंता मत करिए, बहुत जल्दी ये नाम भी डिस्क्लोज करने वाले हैं। चलिए तो भाई सारी चीजें सब बताएंगे, चिंता नहीं करो, लेकिन अभी आज पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अरे भाई ऐसा कुछ दिवाली दिवाली जैसा फील हो रहा है, तो चलिए भाई आप लोगों को एक बार हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल देते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो हैप्पी दिवाली एडवांस में आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन दिवाली में अभी थोड़ा समय पढ़ना जरूरी है, तो पहले पढ़ाई करेंगे, बाद में दिवाली में फुलझड़ी और फटाके फोड़ेंगे। तो भाई जल्दी से क्लास में जुड़े और पहले क्वेश्चन का आंसर दें, 20 सेकेंड्स के टाइमर के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ओके निकिता जी वेलकम, स्वागत है आपका, हेलो हेलो एवरीवन। चलिए भाई वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, आंसर करो। देखो यार, समय का अगर ध्यान रखोगे, समय का अगर मूल्य करोगे, समय की अगर क्या करोगे भाई, समय का विशेष ध्यान रखोगे तो समय हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर असम का जो फेमस नृत्य है, फेमस डांस फॉर्म है, वो क्या है, बिहू, सभी लोग जानते हैं। आप लोगों को बताना है केरल से संबंधित यहाँ पर कौन सा जो है नृत्य है, बताइए भैया जल्दी। क्वेश्चन यहाँ पर मजेदार वाला आ चुका है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोग कथक कह रहे, अरे भैया केरल में कथक नहीं होता है, कथक होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मतलब उत्तर भारत का एक फेमस डांस फॉर्म है जिसे हम लोग कहते हैं कथक, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है ना, और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से, ठीक है भैया। चलो सारे बता दिए, तो फिर आंसर क्या बचा है, आंध्र प्रदेश का जो फेमस डांस फॉर्म है वो क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है, और भरतनाट्यम हमारा जो है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का जो है मोहिनीअट्टम है। अच्छा एक आंसर और याद करो, मोहिनीअट्टम के अलावा अगर बात करें तो कथकली भी बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, कहाँ का, केरल का। तो केरल का डांस फॉर्म चाहिए था, तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों है, लेकिन ऑप्शन में हमें मोहिनीअट्टम दिया है तो हम उस पर टिक करेंगे। ओके डन हो गया, पहला आंसर सही हुआ। तो सरोज जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कथकली और मोहिनीअट्टम दो फेमस डांस फॉर्म्स है, कहाँ के, केरल के। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जल्दी से, 30 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, तो भैया जल्दी से अगला सवाल लगा लो। टेक्निकल टीम जी हमें थोड़ा सा छोटा कर दीजिए यार, थोड़ा ज्यादा बड़े लग रहे हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर दो भाई। ओके अजीत जी स्वागत है आपका। देखिए भाई अगर बात करें, अगर बात करें भागलपुर नदी, भागलपुर जो है आप लोगों का वाराणसी, पटना, लखनऊ में से कौन सा अलग है, देखो वाराणसी, पटना और लखनऊ और भागलपुर में से अगर पूछा जाए कि कौन सा अलग है, तो सबसे अलग जो ऑप्शन है वो आप लोगों का कौन है, लखनऊ है। बिकॉज यहां पर लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। लखनऊ में जो नदी बहती है वो कौन सी बहती है, गोमती नदी, लेकिन बाकी के तीनों जो रिवर बैंक्स है, मतलब नदी के किनारे हैं, वो क्या है, गंगा रिवर,
वही तो याद रखिए, वाराणसी में, भागलपुर में और पटना में, तीन तीनों ऐसी जगह जहां से गंगा नदी पास आउट होती है। तो आप लोग का जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, लखनऊ। भैया ए आंसर दे रहे हैं मोस्टली लोग, मतलब क्वेश्चन पता नहीं है तो समझ लो, सीख लो, ठीक है। भागलपुर, वाराणसी और पटना तीनों ऐसे स्थान है जहां से गंगा नदी पास आउट होती है, मतलब होकर गुजरती है। लेकिन लखनऊ में गोमती जो है, गोमती नदी आप लोग की क्या है, फेमस है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर यहां पर होना चाहिए लखनऊ। ओके, तो आंसर भैया बिल्कुल डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भैया याद कर लो, शहर और उनकी नदी के किनारे, ठीक है। सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमने कहा एनटीपीसी की सफलता इन सवालों में है, तो आज के क्वेश्चंस भाई पढ़ के मजा आने वाला है डेफिनेटली। चलिए, अगर बात करें सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, ठीक है, इन और आचार्य कृपलानी, इन सब में से अलग जो ऑप्शन है वो आपका क्या है भाई, डी को इंडिकेट कर रहा है। डी ऑप्शन यहां पर इसलिए अलग है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आचार्य कृपलानी जी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि हमारे ऊपर लिखे हुए तीनों नाम जो हैं उन्हें हमारे भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब भारत रत्न से। तो सीवी रमन जी को भी मिल चुका है, राजगोपालाचारी को भी, और एस राधाकृष्णन को भी भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन आचार्य कृपलानी जी उनमें से एक नहीं है। तो आप लोग का आंसर डी आ जाएगा भैया, सीख लो। हमने कहा था रेलवे और रीजनिंग पार करनी है, ये सेशन देखना ही और लास्ट तक जुड़ना है भैया। अभी 30 सवाल है, चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है भाई, 30 सवाल है, अभी तो चौथे पांचवे क्वेश्चन पे चल रहे, सवाल पूरे के पूरे 30 है, चिंता नहीं करो। देखिए भाई, रेडियम की बात करें, पोलोनियम की और यूरेनियम की बात करें, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है हमारे पीरियोडिक टेबल, माने हमारे केमिस्ट्री के ऐसे एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उनमें से कौन सा है भैया, सीजियम नहीं है, बेरियम भी नहीं है बेचारा, स्ट्रोंटियम भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका थोरियम। तो भैया जो रॉकेट इंडिकेट कर रहा है वो थोरियम को कर रहा है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ा होगा डेफिनेटली आप लोगों ने जीएस बाबा जी से केमिस्ट्री में, जो कि हमसे 7 बजे मिलते हैं भाई हमारे शो के बिल्कुल तुरंत बाद। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फास्टेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग बहुत जल्दी भाई। गुड इवनिंग लवली जी, गुड इवनिंग। चलो भैया बहुत बढ़िया, शिप्रा जी जल्दी जल्दी आंसर करना भाई, टाइमर समाप्त हो चुका है। यहाँ लिखा है ए और बी क्या है, भाई भाई है, कोई बात नहीं भाई, ए और बी को भाई भाई बना देते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर प्लस साइन लगा लेना क्योंकि भाई भाई है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सी और डी सिस्टर्स है, बहने हैं, लेकिन ए का जो बेटा है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, मतलब ए का बेटा चाहे जो भी हो वो डी का भाई होगा, ठीक है, और डी और सी दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं। तो ए का बेटा, डी का भाई और डी और सी दोनों बहने। अब यहां पर पूछा जा रहा है बी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया बी जो है वो सी के कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, फादर, ठीक है, सॉरी फादर नहीं है भैया, भाई भाई है ना, तो अंकल जी हो जाएंगे, अंकल जी, मतलब ए जो है वो इन लोगों के पिता है और हमारे पिताजी के जो भाई होते हैं वो अंकल जी होते हैं, मतलब राइट आंसर आपका अंकल जी है माने चाचा जी है। तो भाई सब लोगों का आंसर आई थिंक करेक्ट आया होगा, बिकॉज ए और बी दोनों भाई भाई थे, तो यहां पर ये फादर हो गए हमारे पिताजी और यहां पर बी जो हो गए वो अंकल जी हो गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताइए कितने लोगों से करेक्ट बन रहा है, बैंक की क्लासेस भी लेते हैं बिल्कुल भाई, बैंक की एसएससी की सारी क्लासेस लेते हैं, चिंता नहीं करो। पांचवे क्वेश्चन तक सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, हम सारे बच्चों के जिनके भी कमेंट्स आते हैं उनका आंसर जरूर करते हैं जैसे ही हमें समय मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। चलो यार देखो भाई, समय नहीं है, समय की बहुत कमी है, जल्दी जल्दी सवाल कर रहे हैं। देखो यार, इस 3 का गुणा करेंगे इस 0 के साथ, 3 इंटू 0 प्लस
ठीक है, प्लस इसी 5 का मल्टीपल करना है 3 के साथ, 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा 15। मतलब दूसरे 3 का मल्टीप्लाई भी 0 से करना है और 5 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। सिमिलरली इस 2 का मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस इस 4 का गुणा करना है 2 के साथ, मतलब 4 8 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 8 प्लस 8 जो हो गया वो आपका हो गया 16। अब यहां पर जो वैल्यू चाहिए वो क्या है समझना, 10 लाना है तो यहां पर हमें चाहिए होगा 2 का मल्टीपल 2 से करना पड़ेगा, प्लस 3 का गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे 10 आएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क पर रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है, 2 है, मतलब आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2। बिल्कुल रवि जी, आपके कमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए भाई, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो स्क्रॉल हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स, तो पढ़ भी नहीं पाते, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं भाई, सबके कमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। ओके, क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए आंसर जो लोग दे रहे हैं उनको बहुत पसंद है ये ऑप्शन, लेकिन गलत हो चुका है। चलो अगले में ट्राई करना, इसका आंसर तो क्या है, 2 है। ठीक है, कैसे है समझिएगा, 2 आंसर कैसे आएगा इसका, नीचे वाले जो मतलब जो थर्ड पे लिखा हुआ है, ये जो थर्ड कॉलम है इसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाले से करेंगे बेसिक से, और मिडिल वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, मतलब कुछ ऐसे सर्कल में गाड़ी चल रही है हमारी, और आंसर जो आएगा आप लोगों का वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 2 आंसर आना चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए। चलो भैया, मैथ्स गुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच मैथ्स गुरु जी, गुड इवनिंग कर रहे हैं आप सभी को, तो देख लीजिएगा। चलिए भाई, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चांद विशाल जी पूछ रहे हैं न्यू क्वेश्चंस कैसे, न्यू जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे ज्वाइन करें। देखिए भाई, जिन्होंने नए, जो लोग नए हैं वो महिंद्रास की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे एनटीपीसी के वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने वीडियोस को। ठीक है, चलिए अगर बात करें यहां पर, तो आप लोगों को भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना है कैसे, देखोगे, देखो यार यहां पर 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहां पर 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब 1 का गुणा 5 से करोगे तो बीच में संख्या लिखी हुई है 5, समझना, वर्टिकली एक साइड में सब्सट्रैक्शन करो, दूसरी साइड में भी सब्सट्रैक्शन करो और मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहां पर अगर बात करें 11 में से अगर 2 चला गया तो बचा हमारे पास 9, यहां पर 8 में से 6 चला गया है तो बचा है 2। अब 9 का गुणा यार 2 से कर दोगे तो जो सर्कल में हमें संख्या चाहिए वो चाहिए 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो 18 आंसर आ गया है भाई। लेफ्ट साइड वालों में सब्सट्रैक्शन कर लीजिए, राइट साइड वालों में सब्सट्रैक्शन, जो भी वैल्यूज आ रही है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो क्लियर है, बताइए भाई, क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं तो एक बार बता देना कि डन हो गया है मैम, क्लियर हो गया है। पहले ग्रुप डी होगा या एनटीपीसी होगा, बेटा पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा, बाद में एनटीपीसी होगा। चलो मतलब समय अभी काफी, चिंता की बात नहीं, सारी तैयारी हो जा रही है, डोंट वरी। ओके चलिए, तो भाई सुप्रिया जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। ओके सुप्रिया जी, वेरी गुड, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। देखो यार, ये जो वॉचिंग बढ़ रही है हमारी, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बस आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आप व्यूअर्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई बोमडिला भाई बहुत सुना होगा, दर्रा होता है, दर्रा का मतलब माउंटेन पासिस। ठीक है, अगर बात करें, और नाथुला भी दर्रा है, शिपकिला भी दर्रा है, फेमस दर्रे हैं आप लोगों ने सुना होगा सिक्किम स्टेट में। ठीक है, सिक्किम भाई, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से जो छोटी छोटी सी जो दर्रा निकलता है उसको कहते हैं माउंटेन पासेस। तो भाई बोमडिला, नाथुला और शिपकिला, लास्ट में लाला लिखा है ना, तो समझ जाएगा वो पासेस है। अब लहसा जो है वो पासेस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर भी भैया जीएस की जरूरत पड़ेगी, तो भाई रीजनिंग निकालना है तो जीएस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अगली क्लास को भी अटेंड करना है। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें। ठीक है भाई, यहां पर लिखा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे नीडल्स कोइंसाइड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ संपाती कितने बार होती है, 2 बार। एक दूसरे के ऊपर वाली जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, समझना, हर एक सर्कल में एक बार होती है। अब 24 घंटे में पूछा गया है, 24 घंटे में कितनी बार हो गई, समझना, 24 घंटे में अगर होगी तो ये कंडीशन 22 बार होगी, 22 टाइम्स, मतलब क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार लो,
ठीक है। अगर कोइंसाइड कंडीशन पूछे तो 0 डिग्री का आंसर होता है 22, अगर 90 डिग्री का पूछे तो आंसर होता है 44, अगर 180 डिग्री का पूछे तो होता है 22। ये ऐसा भाई डेटा है जिसे आप लोग याद कर लेंगे अच्छा रहेगा। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुइयां जो एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड कंडीशन लिखा है, संपाती स्थिति कितने बार होती है? सिर्फ 22 बार, बिकॉज 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार होती है, दो बार में, इसलिए वहां से एक कम हो गया। और 5 से 7 के बीच में भी सिर्फ एक ही बार होता है, इसलिए वहां से एक कम हो गया। तो 24 में से जो डेटा है वो घटकर 22 रह गया है, तो आप लोग का आंसर 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, याद कर लो भैया, इसको रट लो। क्लॉक तो तुम लोग को पढ़ाया था, मजा आया था क्लॉक में, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सिर्फ उतने लाइक्स कर दीजिएगा और कुछ नहीं, लाइक करें और बगल में एक शेयर वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। चलिए भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई सूरज जो है वो क्या है, एक तारा ही है, सन इज अ स्टार, और पृथ्वी जो है वो क्या है, सूर्य का एक प्लैनेट है, ठीक है। तो भाई स्टार्स की कैटेगरी में यहाँ पर सन आने वाला है, और स्टार्स की कैटेगरी में आ जाएगा सन, और भाई प्लैनेट्स तो अलग होते हैं ना, इसलिए पृथ्वी हमारी हो जाएगी अलग। भाई सूर्य का पृथ्वी से कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग हो जाएगा भाई इस मामले में, बिकॉज पृथ्वी जो है वो एक प्लैनेट है और स्टार जो है उनकी कैटेगरी में हमारा सन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न करेंगे जल्दी से भैया, बहुत जल्दी जल्दी करने, रैपिड फायर की तरह। चलो यार, अफगानिस्तान, भूटान, भारत और पाकिस्तान में से कौन अलग है? भैया जानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का लॉजिक बताएगा, एक बड़ी वाली चॉकलेट नहीं, शाबाशी मिलेगी, ठीक है, शाबाशी की बहुत कीमत होती है भाई, समझ जाओ। तो आंसर क्या आएगा समझ लीजिए, चलिए आंसर भी बता दिया, अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान क्यों अलग है वो समझ लीजिए, अफगानिस्तान इसलिए अलग है बिकॉज अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री होने का मतलब है भैया, देखो तुम लोग अगर जीएस बाबा से पढ़ते हो तो हम भी पढ़ते हैं, चिंता नहीं करो, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है अफगानिस्तान ऐसा देश है जो कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लैंड से घिरा हुआ है, मतलब किसी भी समुद्र की सीमा को टच नहीं करता, किसी भी ओशन या सागर या महासागर को कभी टच नहीं करता, इसलिए लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, इसलिए अफगानिस्तान यहां पर अलग हो जाएगा। हमारा भारत अलग है, अच्छा नहीं, थोड़ा सा इमोशनल नहीं हो रहा यार, लॉजिक वाले आंसर देने, इमोशनली मत अटैच हो जाओ। वैसे हमारा भारत सबसे अलग है और सबसे महान भी है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। भारत से दूर है इसलिए अलग है, वेरी गुड, मतलब तुम लोग कुछ भी लॉजिक लगा लो, नहीं अच्छा ठीक है। भाई यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया है कि आप विद्यालयों में, स्कूल्स में जितने भी एनुअल वैकेशन, मतलब साल भर में जितने भी अवकाश होते हैं, उनकी संख्या कम हो जानी चाहिए, मतलब छुट्टियां कम हो जानी चाहिए। अब तुम लोग कहोगे नहीं मैम, छुट्टियां तो कम नहीं होनी चाहिए, तो क्या करें? पहला आर्ग्यूमेंट दिया गया है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है यहाँ पर है, आपको तर्क दिया गया है कि हाँ स्कूलों में बच्चों को अन्य देशों के बच्चों की तुलना में अधिक आराम का समय मिलता है। भैया ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ठीक है, ये तो कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल भी किसी की तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन इज नॉट अलाउड इन द आर्ग्यूमेंट्स, ओके, इस बात को याद रखना कि हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसके बाद बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बोथ रॉन्ग, ठीक है। फिर लिखा है हाँ इससे शिक्षक की उत्पादकता और विद्यार्थी के सीखने की क्षमता में सुधार होगा, गलत बात है भैया, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाओगे तो भैया बच्चे ज़्यादा पढ़ लेंगे, भैया बच्चे उतना ही पढ़ेंगे जितना उनका मन है और जितनी उनकी लर्निंग कैपेसिटी है। तो आंसर जो होगा वो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का नेदर वन नॉर सेकेंड, मतलब आंसर नंबर 3 दोनों गलत हो जाएंगे भाई, क्योंकि हम यहां पर पहली चीज तो किसी के साथ कंपैरिजन माने तुलना नहीं करेंगे, दूसरी चीज यहां पर किसी की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे अगर छुट्टियां कम होगी तो, ऐसा नहीं, छुट्टी कम हो जाएगी तो और नहीं पड़ेगा, मन और नहीं लगने वाला ना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहां पर नाइदर वन नॉर सेकेंड, मतलब कि 3 वाला, मतलब कि एक भी सही नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जल्दी से, और ये वाला, इसको भी भाई पढ़ के जवाब देना है। वेरी गुड अक्षय जी, बहुत बढ़िया, चलिए। तो यहां पर अगर बात करें कि भाई सचिन तेंदुलकर जी एक महान क्रिकेटर है, उनका स्ट्रेट ड्राइव जो शॉट है वो बहुत अच्छा शॉट लगाते हैं और वो शॉट एकदम देखने लायक है, ठीक है।
तो अगर कंक्लूजन की बात करें, मतलब कि निष्कर्ष अगर देना चाहें, तो पहले पे लिखा है सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हाँ भैया, ऐसा कंक्लूजन हम दे सकते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट में लिखा हुआ भैया महान क्रिकेटर है, मतलब अच्छा क्रिकेट खेलते ही होंगे डेफिनेटली। ओके, प्रशांत जी कह रहे हैं महिंद्रास का चैनल यूट्यूब का नंबर वन चैनल है। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, और आप सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए भी नंबर वन है। ओके चलिए, तो बात करें सेकंड वाले पे लिखा है ऑल प्लेयर्स प्ले, सारे के सारे खेलते। गलत भैया, जैसे ही कीवर्ड देख लिया करो, ऑल ऑल इज अ कीवर्ड। मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था, ऑल की बात करें, नेवर की बात करें, बिफोर की बात करें, सॉरी ऑलवेज की बात करें, ठीक है, या ओनली की बात करें, ऐसे कीवर्ड्स जहां आ जाए गलत कर दो, गलत कर दो, गलत कर दो, लिख के ले लो, गलत हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट मतलब पहला, और जो रॉकेट आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई पहला वाला आंसर सही होगा। अच्छा यार ये बताओ, आज के क्वेश्चंस लाजवाब है ना, मजेदार, तो एक लाइक बस जरूर कर दीजिएगा छोटा सा, और एक शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जल्दी से, और इस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल ऑल वर्ड आए इसलिए पहला वाला सही होना चाहिए। यहां पर अगर बात करते हैं तो देखो यार, 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था, समझना। 30 जनवरी के बाद अगर जनवरी में दिन बचा, तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 30 को घटाओगे, 31 में से 30 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने, एक बचेगा। प्लस फरवरी में दिन होते हैं 28, बिकॉज 2003 की फरवरी है, ध्यान रखना। मार्च में सिर्फ 7 दिन जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो, ऑड डेज निकाल लो, 28 तो 7 से पूरा चला जाएगा, जीरो आएगा, 7 भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। ऑड डेज की संख्या सिर्फ एक बच रही है, मतलब हमारे पास सिर्फ एक शेष दिन है। तो बताइए अगर 30 तारीख को बृहस्पतिवार था, तो सिर्फ बृहस्पतिवार में एक जोड़ना है, और आपका आंसर आपके सामने। तो बृहस्पतिवार में एक जोड़ दीजिए, आंसर इज डी एंड फ्राइडे। और सब लोगों का जवाब यहां पर लाजवाब, बहुत बढ़िया करते हुए, माई बर्थडे इज ऑन 7/5। ओके चलिए, तो भाई फ्राइडे, पूजा जी, प्रेमकांत जी, मनीष जी, मंटू जी, राजेंद्र जी, वेरी गुड आंसर दे रहे हैं, और मैथ्स गुरु भी लगातार हमारे साथ बने हुए, तो आंसर फ्राइडे आएगा, बिल्कुल डन 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 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत लाजवाब वाला क्वेश्चन है। मैथ्स गुरु कह रहे हैं वॉचिंग 1200 है लेकिन लाइक सिर्फ 300, अरे यार मजा नहीं आया, प्लीज एक बार लाइक करने में क्या जाता है भाई, इतना तो हम कर ही सकते हैं दबंग मैम के लिए। ओके चलिए, यहाँ लिखा है चार सड़कें हैं जो चार मुख्य दिशाओं में हैं, ठीक है, वेरी गुड। चार सड़कें हैं जो चार मुख्य दिशाओं में हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, समझते जाना। फिर लिखा हुआ है पश्चिम दिशा से, यहाँ पर लिखा है मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, ठीक है भैया हम पश्चिम दिशा से आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, और बस स्टैंड जाना चाहता हूँ, ठीक है, बाईं ओर सड़क मुझे नदी तक ले जाती है, मतलब लेफ्ट पर मुड़ेंगे तो रिवर तक पहुंच जाएंगे, हमें नदी तो जाना नहीं है। फिर लिखा है और बाईं ओर की सड़क नदी तक ले जाती है, सीधे सामने की ओर सड़क मार्केट सेंटर जाती है, जो सामने जा रही है वो जा रही है मार्केट, भैया पढ़ते जाओ आंसर देते जाओ। और लिखा है आपको बताना है बस स्टैंड किस दिशा में होगा, भैया सामने मार्केट है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो रिवर पहुंच जाएंगे, तो आपको बताना है कि यहाँ बस स्टैंड किस दिशा में होगा। डेफिनेटली अगर बस स्टैंड कहीं नहीं है तो बस स्टैंड होगा साउथ की तरफ, भाई क्वेश्चन एकदम मजेदार वाला है, मार्केट में नया है तुम लोगों की लैंग्वेज में, तो आंसर आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, बिल्कुल, तो आंसर आएगा साउथ, भाई सामने तो मार्केट है, वेस्ट से आ रहे हैं ना, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, देखो लिखा है आई केम फ्रॉम द वेस्ट, अगर मैं वेस्ट से आया तो बस स्टैंड जाना चाहता था, लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब वेस्ट से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे रिवर की तरफ, रिवर नहीं जाना है, सामने मार्केट है, और अगर बचा तो बचा सिर्फ साउथ, तो आंसर इस क्वेश्चन का साउथ आया, मजा आया ना, तो बस इस अच्छा क्वेश्चन करने के लिए एक लाइन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फास्टेस्ट, और आप लोगों का सवाल डाइस का है, जल्दी से बताओ कि प्लस के विपरीत क्या होगा, भासु क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज क्लास विकास जी हम कराते हैं, बीच बीच में बिल्कुल टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, आप चिंता नहीं करिए। ओके चलो, अब यहां अगर बात करें प्लस के विपरीत क्या होगा, समझना, जब यहां पर स्टार और स्टार कॉमन है, यहां पर एट दी रेट भी क्या है कॉमन, तो भैया डॉलर बचा यहां पर और यहां पर बचा है परसेंटेज, बचे हुए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों में स्टार और एट दी रेट कॉमन आ गया तो बचे हुए क्या हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर परसेंटेज कॉमन है और यहां पर स्टार भी कॉमन है, तो भाई एट दी रेट का आ गया है एंड
चारों के चारों क्लियर हो गए। अब बताओ कि यार आपसे पूछा जा रहा है प्लस का विपरीत, तो प्लस के विपरीत पर सिर्फ एक ही साइन बचा है हमारा, स्टार, सिर्फ स्टार ही बचा है ना। तो आंसर जो आएगा भाई वो खच से एकदम आ जाएगा, स्टार। ठीक है, मतलब कि हमारा रॉकेट उड़ते हुए सी को पॉइंट करेगा तो आंसर सी हो जाएगा। मतलब तुम लोग डाइस वाले क्वेश्चंस में जरा भी गलती नहीं करते हो, वेरी गुड। याद करिए जब हम दो डाइसेस को यहां पर कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, दोनों जब कॉमन निकलेंगे तो बची बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तो आंसर स्टार आएगा। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी से सीरीज का आंसर निकालिए। अब देखना यहां पर छह जुड़ रहे हैं, यहां पर चार जुड़ रहे हैं, यहां पर जुड़ रहे हैं दो, समझना छह चार दो जुड़ते जा रहे हैं। यहां पर समझना छह कम हो रहे हैं तो यहां पर होने चाहिए चार कम और यहां पर होने चाहिए दो कम, मतलब पैटर्न बन रहा है प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस के सिक्स, 35 में से 29 जाने के लिए 6 घटाने पड़ेंगे, मतलब 41 में से अगर 2 घटाओगे ना तो आंसर सिर्फ 39 हो सकता है और कुछ भी नहीं, आंसर होगा 39। लेकिन फिर भी सब लोगों ने गलत आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों ने ठान लिया है कि तुम लोग गलत ही करोगे। 41 के बाद वाला पूछा था तो 41 कैसे आएगा, माइनस टू करना पड़ेगा, ठीक है। 41 गलत आंसर है, आंसर 39 है बेटा जी, पैटर्न चल रहा है प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू और माइनस टू माइनस फोर माइनस के सिक्स, तो 41 में से माइनस टू करने पड़ेंगे, आंसर आ जाएंगे 39 वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन का भी। वेरी गुड, 5 सेकेंड्स लेफ्ट, मार्केट से खरीद के लाए थे रॉकेट, चलिए। अच्छा यहाँ पर टोटली भाई 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर कैमरा में 6 लेटर हैं, एनिमल में 6 लेटर हैं, टेलीग्राम में है 8 लेटर, तो बता दो अब कितने लेटर होंगे भाई, क्वेश्चन नया है एकदम। एरर में 5 लेटर्स थे, मनी में 5 लेटर्स थे, कैमरा एनिमल में 6 लेटर्स थे, तो टेलीग्राम के अलावा यहाँ पर 6 लेटर हमें और चाहिए, तो आंसर आ जाएगा टैलिस्मैन, बिकॉज यहाँ पर भी 6 लेटर हैं, यहाँ पर जो है 6 लेटर हैं, यहाँ पर 6 लेटर, यहाँ पर 5, तो हमें 8 वाला चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। कुछ भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक है कि संख्या देखनी है लेटर्स की, कि कितने लेटर्स हैं हमारे क्वेश्चंस में, ओके। चलो तो भाई सीरीज बहुत मज़ेदार वाली थी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना था ये बताना था, सोच नहीं सकते थे तुम लोग, तो सोचने पे मजबूर कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं आज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के एक लाइक करना है बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, कीवी ऑस्ट्रिच और ईगल और पेंगुइन में से कौन अलग होगा। देखो यार यहाँ पर अगर बात करें तो भाई यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन अलग है, तो डेफिनेटली ईगल अलग है, बिकॉज ईगल को छोड़कर जितनी भी बर्ड्स यहाँ दिख रही है ना, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग इतना बड़ा होता है, इतना भारी होता है, उड़ तो कभी सकता ही नहीं है। पेंगुइन भाई नहीं, हम नहीं बता सकते सॉरी, तो वो भी आप लोगों का उड़ नहीं सकता, मतलब जितनी भी बर्ड्स हैं ऑल आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस का मतलब है उड़ने में असमर्थ, ठीक है। जितनी भी आपकी बर्ड्स हैं वो सारी उड़ने में असमर्थ हैं, उड़ नहीं सकती ईगल माने बाज को छोड़कर, तो आंसर आ जाएगा सी। लेकिन फिर भी यहाँ ये आंसर दे रहे हो, मतलब ये तो इतना फेमस फेवरेट है कि ए के अलावा कुछ जवाब देना ही नहीं है, गलत आंसर है ए, आंसर सी होगा सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE भारत और NASDAQ क्या होगा। वेरी गुड, ईगल कैन फ्लाई, यस, बाकी सब फ्लाइटलेस हैं, तो बताओ भाई भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, मतलब भारत का जो शेयर मार्केट है, भारत का जो शेयर मार्केट है और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BSE बोलते हैं कि नहीं, ये तो तुम लोग को सब पता होगा भैया, है ना। तो भाई आपको पता ना NASDAQ कहाँ के स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं, यूएसए, तो आंसर यूएस, अच्छा ये तो सबको पता है, वेरी गुड, यूएसए आंसर बिल्कुल डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, तो भैया अगला सवाल है, स्क्वायर्स बताने हैं यहाँ पर, फटाफट बता दो।
चलिए यहाँ स्क्वायर्स गिन लेना, स्क्वायर्स गिन लेना, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा, चौथा और एक बड़ा वाला पूरा का पूरा कितना हो गया भैया, पाँच हो गया, समझना पाँच हो गया। तो भाई एक दो तीन चार और पूरा एक बड़ा वाला पाँच, उसके बाद यहाँ पर छठवा सातवा, ठीक है, आठ नौ है ना, दस ग्यारह बारह और तेरह, ठीक है, तेरह हम लोगों ने यहाँ गिन लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, फोर्टीन्थ, ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा पंद्रहवा, ये आपका पूरा हो जाएगा सोलहवा स्क्वायर और आपका ये वाला पूरा हो जाएगा सत्रहवा। तो भाई क्वेश्चन का आंसर और कुछ नहीं, बाकी मिला के अगर बनाएंगे तो रेक्टेंगल बनेंगे, आंसर सत्रह आएगा, सत्रह के अगर अलावा कुछ भी आंसर दिया तो मारेंगे बहुत। सत्या रंजन जी आपका आंसर 19 आ रहा है जो कि गलत है, और 21 तो पता नहीं हर्षिता जी को कहां से दिख रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। चलो ये बताओ, यदि वाई सी की पुत्री है तो सी की जो बेटी है वो कौन है, आपकी वाई है, ठीक है, सी की बेटी वाई है, सी एफ की पत्नी है तो भैया सी जो है एफ की पति है, तो एफ जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका पति, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एफ का वाई से क्या रिलेटेड है, जब ये इनकी माता जी हो जाएंगी और एफ जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वाई के पिताजी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल ए। अब ए ए वालों अब यहाँ ए आंसर देना है, ए वालों अब यहाँ पर ए आंसर देना है, ठीक है। चलो पवन राव जी 21 नहीं होगा बिकॉज दोनों को मिलाने के बाद स्क्वायर नहीं बन रहे, रेक्टेंगल बन रहे, थोड़ा ध्यान दो, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है कि गलती हो जाए। चलिए आंसर यहां पर आएगा फादर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, बॉयज डांसर्स और गर्ल्स के बीच में सही रिलेशन क्या है। चलो यार देखो, बॉयज भी डांसर हो सकते हैं, गर्ल्स भी डांसर हो सकती हैं कुछ कुछ, लेकिन बॉयज कभी गर्ल्स नहीं बन सकते, तो आंसर यार बता दो सिर्फ सी है, सी के अलावा और तो कुछ नहीं। यहां भी ये आंसर दो, मतलब तुम लोग मर जाओ ए के लिए, ठीक है, सारे लोग ये आंसर देना, मतलब तुम लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम अगर सबका ए आंसर लगाए तो हमारे कुछ तो सही होंगे, ऐसा मत सोचना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, बिल्कुल, तो वेरी गुड, यहां पर आंसर सी है भाई, बॉयज गर्ल्स तो नहीं हो सकते ना, प्रैक्टिकली सोचो तो आंसर यहां पर सी आ जाएगा। तीनों का मिलाकर बना जाओगे तो कुछ बॉयज कुछ लड़के लड़कियां हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच लो, आंसर सी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, चलो देखो भाई यहां पर अगर बात करें, समझना, चार यहां पर होता है, अगर माइनस थ्री करोगे ना तो वन आ जाएगा, ठीक है। ई का प्लेस वैल्यू अगर होता है पांच तो माइनस थ्री करोगे ना तो टू आ जाएगा, फिर ई का प्लेस वैल्यू पांच है, माइनस थ्री करोगे टू आएगा, और आर का प्लेस वैल्यू 18, माइनस थ्री करोगे तो 15 आ जाएगा, मतलब समझना पैटर्न क्या है, -3, -3, -3 एंड -3, ओके। तो आंसर निकालिए कि भाई हाई हील का पूछा गया आपसे, क्या निकालेंगे, ही का जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे भैया, यहां पर तीन तीन घटा लो तो पांच आ जाएगा, यहाँ पे यहां पर आ जाएगा दो दो, और यहां पर 12 है तो 9 आ जाएगा, तो मतलब मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है वो फिट रहेगा, बिल्कुल आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, डन 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 हो गया डी वाला। अच्छा 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्लियर हो रहे हैं, बताते जाना, आज के क्वेश्चन कर लोगे ना तो समझ में आना, सोच लेना कि ऐसा ही लगभग पेपर आएगा। दिलीप जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से भाई, स्क्वायर जो है मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन है भाई, फास्टेस्ट कर लो, बहुत अच्छा वाला है। चलिए 63 लाना है, कैसे लाएंगे समझना, राइट साइड वाला जो है ना 7 का स्क्वायर करोगे, यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 63 करके देख लो ऐड आ जाएगा, यहां पर 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, 225 में 7 जोड़ लो 12 जोड़ लो आ जाएगा 244, ठीक है। अब बात रही आखिरी क्वेश्चन की, तो 20 का स्क्वायर करना मतलब 400 में 6 भी जोड़ दो 8 भी जोड़ दो, तो मुझे लगता है आ जाएगा आपका आंसर 414, तो ऑप्शन नंबर बी फिट बैठ रहा है यहां पर,
बी आंसर बिल्कुल सही है। ओके न्यू बॉय मंगेश जी स्वागत है आपका भाई क्वेश्चन में। भाई आर प्रताप जी एनटीपीसी का क्लास है, डेली क्लास का टाइम ये लिखा हुआ है 6:15 डेली यहाँ पर क्लास होता है एनटीपीसी का। ओके चलिए, तो भाई बहुत सारे लोगों को डाउट है क्लास टाइम में, तो हमने क्लास टाइम यहाँ पर लिख के रखा है, देखते जाइए। ओके चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, ये सेट कर लो भैया, ये कैसे सेट करना है। ब्रह्मपुत्र कौन सा आएगा, चिल्का, अटलांटिक, बे ऑफ बंगाल। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बात करें चिल्का लेक है, लेक का मतलब झील होता है, तो 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर बात करें ब्रह्मपुत्र क्या है, नदी है, तो नदी आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी क्या है, सी है, सी है मतलब सागर, तो 4 पे ही आ जाएगा। और ये क्या है आपका, ओशियन का मतलब है महासागर, महासागर, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा, तो 3142 आप लोग का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। मजा आ जाएगा भैया ऐसे क्वेश्चन आज, नाइस क्लास खुशबू जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पर, डन, क्योंकि सबसे पहले लेक माने झील आनी चाहिए, फिर नदी, फिर सागर, फिर महासागर, इन लोगों का बढ़ता हुआ क्रम ये होगा, तो आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, इसको भी सॉल्व कर लो भैया। चले यहां लिखा है अहमद जी हामिद से जो है क्या है, बड़े हैं, ठीक है। देखो भाई अहमद आमिद, अहमद जो है वो हमीद से बड़ा है, ठीक है। फिर लिखा है आनंद शशि से छोटा है, आनंद जी जो है वो आपके क्या है, शशि से छोटे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर लिखा है रवि राकेश के बराबर, ठीक हो भैया, रवि और राकेश क्या है, दोनों लोग बराबर बराबर हैं। फिर लिखा है राकेश के बराबर है कौन, आनंद शशि से छोटा है, जो मतलब कि शशि जो है राकेश के बराबर है, तो भाई शशि को राकेश के बराबर कर दीजिए, यहाँ पे राकेश आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा बराबर में रवि, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेट करेंगे तो आ जाएगा हामिद, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का अहमद, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हामिद जो है राकेश से बड़ा है। अब आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा अहमद है, सबसे छोटा है आनंद, बिकॉज आनंद सस्ती से भी छोटा था, तो आप लोगों का जो आंसर सी, अच्छा मतलब सब लोगों ने सॉल्व कर डाला, वेरी गुड, चलो ठीक है सॉल्व कर लिया, तो समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा अहमद होगा, सबसे छोटा आनंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, इसका आंसर दे दीजिए। चलो 7 और 2 को मिलाकर लाना है 59, तो कैसे लाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो आएगा 5, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 9, और 59 लिख दीजिए मिलाकर, ठीक है, मिलाकर क्या लिख दो, 59, मतलब पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, तो 5+4 लाना है, तो 5 में से 4 घटाओगे आएगा 1, और 5 में 4 जोड़ोगे आएगा 9, दोनों को मिलाकर लिखो 1 और 9 मतलब कि 19, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 19, ठीक है, डंडन आडंडन हुआ, दोनों को मिलाकर लिखना है 19 आना चाहिए, मतलब आंसर जो आ रहा है रॉकेट हमारा 19 पर आ रहा है, करेक्ट। तो भैया लिखने में गलती ना करें, 29 ना लिखें, 19 लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से ये वाला। चलो W का उल्टा D होता है, A का Z होता है, T का G, E का V, R का I, सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट्स लिखे हुए हैं, अपोजिट्स कैसे लिखे हैं, क्रिस क्रॉस में उल्टे, ठीक है, पहले वाले का आखिरी में, तो S का यहां लिखोगे H, I का लिखोगे यहां पर R, G का लिखोगे T और H का लिखोगे G, S और T का लिखोगे G, मतलब आंसर आएगा जी एस टी आर एच, मतलब ऑप्शन नंबर सी लगता है सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर जो है डी चौथा वाला सही होगा, भाई लॉजिक यही है, अपोजिट्स लिखने हैं बस क्रिस क्रॉस में और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया आप लोग इसे होमवर्क में लिख लीजिए, ओके इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में करोगे, 4:30 बजे बताना इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, क्लॉक पढ़ा चुके हैं, ओके
तो भाई आंसर 4:30 बजे कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा ये बताना है होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ओके चलो तो होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। पीडीएफ चुलबुल पांडे जी, अच्छा जो भी है चुलबुल पांडे जी, पीडीएफ जो है आप लोगों की रेलवे जो ये वीडियो है इसके नीचे लिंक पड़ जाएगी, तो आप कल डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के अगले दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलो तो आंसर मिल रहा है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए फिर आज बात करते हैं, आज के लिए इतना ही, और कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑल इंडिया लाइव सरप्राइज टेस्ट, मतलब कल के टेस्ट में कुछ सरप्राइज होने वाला है, तो कल 30x30 लेकर फिर से रीजनिंग मैम आएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है शाम को। टाइमिंग विशेष ध्यान रखें 6:15, इस टाइमिंग पर इस महिंद्रा चैनल को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, 6:15 पर कल इसी टाइम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट पढ़ेंगे 30x30 का, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं भाई लाभ और हानि के विस्फोटक प्रश्न लेकर आपके सामने मैथ्स गुरु जुड़ेंगे 12:45 पर, मतलब इनका जो टाइम है वो है 12:45, तो भाई इस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें 12:45 पर। मस्त वाले क्वेश्चन पढ़े एनटीपीसी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है। ओके तो फिर बात करते हैं भाई हैप्पी सर जो है हमारे पाजी सर जो आप लोगों से डेली जुड़ते हैं 9:00 बजे, 600+ क्वेश्चंस की सीरीज जिसने इन्होंने स्टार्ट की है, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, तो अब की बार क्लर्क पार करना है तो इनके साथ जरूर जुड़ें 9:00 बजे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो भाई वो कैप सेक्शन को लेकर मॉक टेस्ट लेकर 20x20 आ रही हैं आपकी मैम फेवरेट वाली इंग्लिश मैम 6:30 बजे डेली गुड मॉर्निंग करती है, महिंद्रा चैनल को सबसे पहले ओपन करती है। ओके चलिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मैथ्स गुरु आप लोगों के पार्ट 5 लेकर आ रहे हैं शाम को 4 बजे डेली आते हैं, ज्योमेट्री पढ़ाते मतलब ज्यामिति के सवाल जो कर दें बवाल कल लेकर आएंगे, तो इनके साथ तो जरूरी जुड़ो भैया, ठीक है। कितने बजे? शाम के 4 बजे, 4:04 बजे करेक्ट 4 बजे। ओके चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट शो आप लोग का आने वाला है जीएस वाला, वही लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन पे होमवर्क का आंसर देना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा। ओके भाई बाकी की बातें सारे लोग कमेंट सेक्शन पे करिएगा, वहां पे मिलेंगे, वहां पे बातें करेंगे। ओके बाय एंड टेक केयर, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।